बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ मोहम्मद हाफिज़, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आर्मी कॉलेज बदीन कैंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड क्लास का सेकंड चैप्टर, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो आज हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स क्या होती है? लॉजिक्स के दो किस्म होते हैं, जैसे कि पहले इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग बोथ स्ट्रेव टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। देयरफॉर इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक Therefore, inductive reasoning moves from a specific instance into a generalized conclusion, while deductive reasoning moves from generalized principles that are known to be true to a true and specific conclusion. इसका मतलब यह है कि inductive method क्या है। पहले inductive के बारे में बात करते हैं कि inductive method उसको कहते हैं जैसे कि जिसमें probability हो, मतलब chances हो कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुक का एग्जांपल है कि एक बंदा जो पेंसिलिन की इंजेक्शन लगाता है एक से दो दफ़ा, और वो हम उसका रिएक्शन उसके बाद हमें पता चलता है कि इस पे क्या असर होता है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट हमने किया और हमें बाद में जाके रिज़ल्ट मिली, बाद में पता चला कि इसका रिएक्शन ये होगा, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड किसको कहते हैं? डिडक्टिव मेथड कहते हैं कि रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास हो, मींस ऐसी चीज़ जो हमें कंफर्म हो कि इसमें ये होने वाला है। एग्जांपल इसका आपके बुक के हिसाब से अगर लेंगे तो कोई भी नंबर ले लें आप, या ऑल मेन आर मोरल, वी आर मेन therefore we are also moral, मतलब कि जिसमें define हो ये हो सकता है कि एक होता है कि 17 तारीख से बारिश का इम्कान है, तो मतलब ये क्या है, ये inductive method है। deductive ये है कि confirm 17 को बारिश होगी, उसमें कोई doubt नहीं है। जिसमें doubt ना हो वो deductive, जिसमें मतलब doubt हो, chances है, कुछ भी हो सकता है, वो है इंडक्टिव मेथड। ये कुछ इंडक्टिव मेथड की डेफिनेशंस है यहाँ पे। इंडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ए जनरल कंक्लूशन ड्रॉन। इसमें ऑब्जर्वेशन है, मेंबर्स आर स्पेसिफाइड आर नॉट इन द सेम इंडिविजुअल कंपीट फॉर रिसोर्स, स्पीशीज आर जनरली एडॉप्टेड टू देयर एनवायरमेंट। मीन्स इंडक्टिव में देखें ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, और डिडक्टिव में देखें रीजनिंग में जनरल प्रिंसिपल और प्रिडिक्ट रिजल्ट, रिजल्ट की बात हो रही है। यहाँ पे ये डेफिनेशंस लिखी हुई है कि इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन यहाँ पे ये रही, डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन इसके सामने, प्रिमाइस एंड कंक्लूजन की डेफिनेशन इंडक्टिव मेथड के हिसाब से, ये डिडक्टिव की, वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन दोनों की डेफिनेशन, अप्रोच, अप्रोच में इंडक्टिव क्या है, बॉटम अप अप्रोच, और डिडक्टिव टॉप डाउन अप्रोच, और बेस मतलब सबकी डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन थोड़ी याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ये पहले होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट से दो चीज़ें निकलती हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव के दो होते हैं तरीके, एक होता है वैलिड, दूसरा इनवैलिड। वैलिड का मतलब होता है ट्रू आएगी, इनवैलिड का मतलब क्या है, ये कभी भी नहीं हो सकता। मींस डिडक्टिव मेथड है तो ट्रू ही आएगी, और इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग वीक, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब ये हुआ कि जो हमने प्रेडिक्शन की है वही हो सकता है, अगर वही हो गया तो स्ट्रॉन्ग, अगर जैसे कि 17 को बारिश आएगी, अगर आ गई तो इंडक्टिव से मतलब जी कि हमने जो बोला था वही हो गया, तो उसको तो कहने का डिडक्टिव मेथड चाहिए नहीं, लेकिन वो इंडक्टिव का स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वीक,
मतलब हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं हुई, हमने कहा था कि ये होगा लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद सिंबॉलिक लॉजिक्स, स्टेटमेंट वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट, ओपन सेंटेंस। स्टेटमेंट किसको कहते हैं? ए स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज टू से अ सेंटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। मीन्स ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए जिसमें हम कह सकते हैं कि ये या तो सही है या गलत है। मीन्स इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट है, सही या गलत से हमारा ताल्लुक नहीं है मगर स्टेटमेंट तो है। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल में इट्स रेनिंग, आई एम हंग्री, 2 + 2 = 4 मीन्स एक कंप्लीट स्टेटमेंट ये हो गई। गॉड एग्जिस्ट, खुदा की मौजूदगी है, मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गई स्टेटमेंट। उसके बाद ऑन द अदर हैंड द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस दैट आर नॉट स्टेटमेंट। ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। कौन से? आर यू एंग्री, आर यू हंग्री, शट द डोर प्लीज। मीन्स ये जो सेंटेंस, ये क्या हो गए? ये हमारे पास हो गए सेंटेंस, स्टेटमेंट नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच इज पॉइंट टू अनस्पेसिफाइड मेंबर्स ऑफ अ यूनिवर्सल। कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच इज अ पॉइंट स्पेसिफिक एलिमेंट इन द यूनिवर्स। एग्जांपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = 2x + 3 मींस व्हिच इज वन वेरिएबल और कांस्टेंट। ये वन वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ इक्वेशन है तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद वेरिएबल एंड इफ द वेरिएबल वाज सब्स्टिट्यूटेड विद द कांस्टेंट इन द यूनिवर्सल देन यू कैन डिटरमाइन इट इज ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। मीन ओपन सेंटेंस है जिसके बाद हमें पता चले कि ये डिटरमाइन करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद आता है कंजक्शन। सिंपल है, कंजक्शन किसको कहते हैं? एन स्टेटमेंट कनेक्टिव इज एन एक्सप्रेशन विद वन आर मोर ब्लैंक्स सच दैट वेयर द ब्लैंक्स फिल्ड स्टेटमेंट रिजल्ट एक्सप्रेशन इज आल्सो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई। और नीचे यहाँ पर भी सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। तो हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। कंजक्शन से पहले सॉरी नेगेशन आ रहा है। कंजक्शन एंड में नेगेशन क्या है? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज अ न्यू स्टेटमेंट विच इज ट्रू इफ द ट्रुथ ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड कन्वर्सली सिंबलाइज्ड बाय आर। ये इसकी साइन है, ये जहाँ साइन होगी इसका मतलब है नेगेशन है। नेगेशन का मतलब नॉट, नो, इट इज नॉट ट्रू दैट इट It cannot be that, it's impossible that, example जैसे P है, two things are similar, मतलब P एक चीज़ है, P एक वैल्यू है, P एक टेबल है जिसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है कि दो चीज़ें सेम हैं, लेकिन नेगेशन P क्या होगी? मतलब नेगेशन का मतलब नॉट, P नॉट क्या होगा? तो अगर वो दोनों सिमिलर कह रहा है कि नीचे नेगेशन में आएगा टू थिंग्स आर नॉट सिमिलर, मीन अपोजिट भी आएगा। अगर वो ट्रू कह रहा है तो यहाँ फॉल्स कहेगा, अगर वहाँ फॉल्स हो रहा है तो यहाँ ट्रू हो। ये सिंपल नेगेशन की कंडीशन है। यहाँ पे देखें नेगेशन में ट्रुथ टेबल में एक वैल्यू बनाई है बी, पी कह रहा है बी है, पी की दो वैल्यू है बी और एस। तो सामने देखें नेगेशन पी भी क्या कह रहा है, बी की जगह पे एस दे रहा है और एस की जगह पे बी। मीन्स चेंज, अपोजिट इसकी रिजल्ट दे रहा है। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल। उसके बाद डिस्जेक्शन। डिस्जेक्शन किसको कहते हैं? डिस्जेक्शन की आप बुक में देखेंगे सिंपल वैल्यू लिखी होगी
के डिस्जक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज पी आर क्यू, इट इज सिंबलिकली रिटन पी एंड क्यू, ठीक है, पी आर क्यू लिखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट पी एंड क्यू इज ट्रू, इन दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर ट्रू होता है, इफ फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स होगा तो दोनों फॉल्स होंगे, डिस्जक्शन में एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। यहाँ पर डिस्जक्शन इज अ करस्पॉन्ड रफली टू द इंग्लिश और द सिंबल फॉर डिस्जक्शन, ये हो गई इन इंग्लिश वर्ड आर, इट इज टू डिफरेंट मीनिंग आर सेंस रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एक्सक्लूसिव सेंस एंड इनक्लूसिव सेंस। देर आर टू टाइप ऑफ डिस्जक्शन, इनक्लूसिव डिस्जक्शन क्या है, ए डिस्जक्शन पी इफ क्यू इज फॉल्स इफ बोथ डिस्जक्शन आर फॉल्स, अगर क्यू फॉल्स होगा तो दोनों फॉल्स होंगे, पी एंड क्यू में दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। एंड एक्सक्लूसिव में अगर क्यू फॉल्स है तो बोथ डिस्जक्शन आर द सेम ट्रुथ अदरवाइज ट्रू। इसी तरह कंजक्शन, कंजक्शन में क्या है, कंजक्शन इज करस्पॉन्डिंग टू द इंग्लिश एक्सप्रेशन एंड, इसमें क्या आएगी, इंग्लिश जो एक्सप्रेशन एंड इस्तेमाल होगी, एंड की जो साइन है वो इस्तेमाल होगी, द सिंबल फॉर कंजक्शन इज दिस, कंजक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू, पी एंड क्यू ट्रू है इफ बोथ कंजक्ट्स आर ट्रू, दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स। ये कंडीशन आपके बुक में है, वो आपके बुक में टेबल होंगे वो देख लीजिएगा, आपके बुक में पेज नंबर 48 पे जो भी सिंबल है इसको मतलब सिंबल को किस तरह रीड करते हैं और किस से बिलोंग करती है वो टेबल बना हुआ है, और आपके पेज नंबर 49 पे जो भी नेगेशन है डिस्जक्शन कंजक्शन और जो भी इम्प्लीकेशन कंडीशनल है इन सब के छोटे छोटे टेबल बने हुए हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद है इम्प्लीकेशन, इसमें क्या होगा, कंडीशनल कनेक्टिव इज करस्पॉन्डिंग टू द एक्सप्रेशन इफ देन, यहाँ पे ये एरो इस्तेमाल होगा, द सिंबल यूज टू इंट्रोड्यूस द एरो इफ इंट्रोड्यूस इन एंटीसीडेंट देन इंट्रोड्यूस कंसीक्वेंट, कंडीशनल डी अप्रोच टू एफ इज फॉल्स इफ द एंटीसीडेंट डी इज ट्रू, अगर वो रिजल्ट उसका फॉल्स होगा अगर एंटीसीडेंट ट्रू है, एंटीसीडेंट मतलब जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू होती है पी एंड क्यू, दो वैल्यू अगर कह रहा है कि एंटीसीडेंट मतलब पी हो गया कॉन्सिक्वेंट मतलब क्यू हो गया, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है नहीं, अगर कंडीशनल डी और एफ फॉल्स है तो एंटीसीडेंट ट्रू होगा एंड एफ कॉन्सिक्वेंट क्या होगा फॉल्स, अदरवाइज इसके अंदर क्या ट्रू आएगा। इसी तरह आपके पास बाय कंडीशनल भी है जो आपके पेज नंबर 51 पे है, इसमें कह रहा है कि पी अप्रोच टू क्यू एंड क्यू अप्रोच टू पी इज शॉर्टली रिटन पी अप्रोच टू क्यू इज कॉल्ड बाय कंडीशनल इक्विवेलेंस, सॉरी अप्रोच नहीं इक्विवेलेंस, इसकी कंडीशन क्या कह रहा है, बाय कंडीशनल डी यहाँ पे कह रहा है बाय कंडीशनल डी इक्विवेलेंस टू ई इज ट्रू इफ कंस्टिट्यूएंट्स हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू अदरवाइज फॉल्स। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी, जो भी हमारे पास टॉपिक है कंजक्शन डिस्जक्शन नेगेशन इम्प्लीकेशन कंडीशनल इनवर्स कन्वर्स, ये जो चीज़ें हैं ये बुक में आपके सिंपल डिफाइन की हुई है उनके बारे में ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन जो एक्सरसाइज है वो टेबल जिस तरह बनाया गया है एक्सरसाइज 2.4 में के कन्वर्स और इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव कंडीशनल में कैसे होगा, ट्रुथ टेबल कैसे ड्रा होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।